शहर के 5 मकामात पर आज फिर पीटीआई कारकुनान का एहतजाज। शिंघाई पुल, फिरोजपुर रोड, कादरी चौक और फैसल चौक में एहतजाज किया गया। बाबू साबू डबल सड़का पर भी मुसाहरा और धरना। कंटेनर्स लगाकर सड़कें बंद, गाड़ियों की कतारें लग गईं। गुलशन रावी की जानिब से बाबू साबू आने वाली ट्रैफिक जाम, हैवी ट्रैफिक का दाखिला भी बंद। शादरा चौक को कंटेनर्स और ट्रक लगाकर बंद कर दिया गया। शदीद नारेबाजी भी की गई। पीटीआई से सियासी वाबस्तगी निभाना सीसीपीओ की तरजीह। कारकुनान ने गवर्नर हाउस पर धावा बोला, गेट को आग लगाई, तोड़फोड़ की गई। हमले में एसएचओ और कांस्टेबल जख्मी भी हुए। मुकदमा दर्ज ना हुआ, ना ही रिपोर्ट लिखी गई। पुलिस को कानूनी कार्रवाई के लिए सीसीपीओ की हिदायत का इंतजार। लॉन्ग मार्च पर फायरिंग का मामला, हुकूमत इंदिराज मुकदमा के लिए कानूनी इख्तियारात भी इस्तेमाल न कर सकी। 48 घंटे बाद मुकदमा दर्ज न होना तफ्तीश में रुकावट बन गया। जीआरटी की तश्कील भी रुक गई। तफ्तीशी इदारों ने वजीराबाद से एक और शख्स को हिरासत में ले लिया। तहरीक इंसाफ के मुतालबे के बाद क्या आईजी अपनी सीट बचा सकेंगे? विफाक तबादलों के मामलात पर पंजाब को टफ टाइम देने के लिए तैयार। पुलिस हुकाम के मुताबिक पंजाब हुकूमत आईजी का तबादला नहीं कर सकती, हतमी फैसला विफाक ही हुकूमत करेगी। विफाक सीसीपीओ लाहौर के तबादले के अहकाम जारी कर चुका है। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान शौकत खानम अस्पताल में जेर इलाज हैं। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने इयादत की। सूबाई वजीर शहाबुद्दीन आसिफ नकई, गजनफर चीना, एमपीए अमीर मोहम्मद खान भी अस्पताल पहुंचे। साबिक गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल की भी शौकत खानम अस्पताल में आमद। पंजाब काबीना का इजलास, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वुजरा और वजीर आला आमने सामने। कंटोनमेंट बोर्ड के लिए 50 करोड़ ग्रांट मंजूरी पर वुजरा फट पड़े। वुजरा वजीर आला पर बरहम, बोले कंटोनमेंट बोर्ड अपने फंड से तरक्याती मंसूबे मुकम्मल कराए। चीफ सेक्रेटरी डट गए, कामरान अली अफजल एक बार फिर तबादले की दरखास्त लेकर आ गए। कल कामरान अली अफजल की छुट्टी का आखिरी रोज रह गया। कामरान अली अफजल ने अब तक हुकूमत को छुट्टी में तोसी की दरखास्त नहीं दी। विफाक ने भी कामरान अली अफजल के तबादले का नोटिफिकेशन जारी नहीं किया। एलडीए का मास्टर प्लान 2050 का तरमीमी ड्राफ्ट जारी। रूडा के फेज 1, फेज 2, ए बी, फेज 3 शामिल। फेज 1 का मास्टर प्लान और फेज 2-3 की हदबंदी ड्राफ्ट में शामिल। तरमीमी मास्टर प्लान में जिला शेखुपुरा की जाने ब्राउन एरिया बढ़ाया गया। सुंदर इंडस्ट्रियल स्टेट जहां है जैसे की बुनियाद पर शामिल। मास्टर प्लान पर एतराजात तलब। स्मोक के साथ धुंध का विराज, लाहौर आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में दूसरे नंबर पर आ गया। शहर में AQI की शरह 417 रिकॉर्ड की गई। यकबस्ता हवाएं चलने से शहर का मौसम तेजी से तब्दील होने लगा। धुआं छोड़ने वाली 369 गाड़ियां बंद कर दी गई। आलूदगी फैलाने पर 32 लाख जुर्माने। जिना अस्पताल में स्मोक की आगाही के लिए वॉक का एहतमाम किया गया। डेंगू के हमले जारी, शहर भर में डेंगू बुखार के 94 नए मरीजों की तस्दीक हो गई। डेंगू बुखार के 456 मरीज अस्पतालों में जेर इलाज हैं। शहर के मजीद 1031 मकामात से लार्वा बरामद करके तलब कर दिया गया। साबिक डेप्टी स्पीकर दोस्त मजारी पेरोल पर रिहा। दोस्त मजारी के दादा अलील थे, गुज़िश्ता रात इंतकाल कर गए। डेप्टी कमिश्नर ने 48 घंटों के लिए पेरोल की दरखास्त मंजूर की। दोस्त मजारी नमाज़ी जनाजा में शिरकत के बाद वापस जेल आ जाएंगे। जाली चलानिंग और करप्शन रोकने में ट्रैफिक हेडक्वार्टर्स गैर संजीदा। पंजाब भर के 35 अजला में डिजिटल चालानिंग शुरू कर दी गई। लाहौर में ताहाल डिजिटल चालानिंग का आगाज न हो सका। ट्रायल बेसिस पर माल रोड 1 और 2 पर डिजिटल चालानिंग की दरखास्त। वार्डन्स को मुतल्लिका ऐप और सॉफ्टवेयर के बारे में तरबियत दी जाएगी। बीमा के मातहत स्कूलों के फंड्स में घपलों का इंकशाफ हो गया। 5000 से जायद स्कूलों में मुबैना लाखों के घपले होने का इंकशाफ हो गया। डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी के अफसरान पार्टनर स्कूलों का दौरा करेंगे। पंजाब एजुकेशन इन्वेस्टिगेटिव एंड मैनेजमेंट अथॉरिटी की हिदायत जारी।
लेफ्टा फील्ड मुलाजमीन का धरना चौथे रोज भी जारी। चेयरिंग क्रॉस चौक माल रोड पर जारी धरने में मुलाजमीन शरीक हुए। मुलाजमीन और असातिज़ा की जानिब से हकूमती बेहिसी के शिकवे। लेफ्टा मुलाजमीन का डिस्पैरिटी और स्पेशल अलाउंस अदा करने का मुतालबा। सीसीपी ऑफिस के बाहर अवामी रिक्शा यूनियन का एहतजाज। चेयरमैन मजीद गोरी की क्यादत में सैकड़ों रिक्शा ड्राइवर एहतजाज में शरीक हुए। थाना शादबाग पुलिस के खिलाफ नारेबाजी। मुजाहिरीन का झूठे मुकदमे में गिरफ्तार रिक्शा ड्राइवर को रिहा किए जाने का मुतालबा। यूटिलिटी स्टोर्स पर एसएमएस सर्विस से सार्फीन परेशान। शहरियों ने एसएमएस सिस्टम को मुस्तरद कर दिया। रेलवे हेडक्वार्टर पर यूटिलिटी स्टोर्स पर बुजुर्ग सार्फीन को मुश्किलात का सामना। अशियाए जरूरिया की किल्लत ने भी शहरियों की मुश्किलात मजीद बढ़ा दी। पार्किंग कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का इजलास 9 नवंबर को तलब। इजलास में 12 निकाती एजेंडे की मंजूरी ली जाएगी। इंस्पेक्टर्स की पोस्ट खत्म करने, असिस्टेंट मैनेजर ऑपरेशंस की 3 नई आसामियों की मंजूरी ली जाएगी। बोर्ड मेंबर्स को इरसाल एजेंडे की कॉपी सिटी 42 ने हासिल कर ली। मेयो अस्पताल में सर्जिकल आला अद्वियात खरीदारी में खुद बुद का मामला। 9 डॉक्टर समेत दीगर मुलजमान का जमानत के लिए अदालत से रुजू। लीगी रहनुमा बिलाल यासीन पर हमला केस की समाअत। मियां हसीब विक्की समेत दीगर मुलजमान इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में पेश हुए। दहशतगर्दी दफात खत्म करने से मुतालिक दरखास्त पर दलाइल तलब। मजीद समाअत 12 नवंबर तक मुलतवी। गीली लकड़ी के दरवाजे बनाने का मामला। मुगल टिम्बर एंड वुड के मालिक के खिलाफ हर्जाने का दावा दायर। सारिफ अदालत ने टिम्बर वुड के मालिक को तलबी का नोटिस जारी कर दिया। अमरीका से आए सिख यात्रियों के वक्त की दरबार हजरत मियां मीर रहमतुल्लाह अलैह में आमद। यात्री पंजा साहिब समाधि महाराजा रंजीत सिंह का दौरा करेंगे। यात्री शाही किला, बादशाही मस्जिद, गुरुद्वारा अस्थान ननकाना का भी दौरा करेंगे। आलमी तबलीगी इज्तमा रायवंड के पहले मरहले का तीसरा रोज। मुल्क भर से लाखों मंदुबीन रायवंड इज्तमा में शरीक हुए। कल रायवंड इज्तमा के पहले मरहले की इख्तितामी दुआ की जाएगी। इज्तमा के दूसरे मरहले के लिए रेलवे हुकाम का 6 स्पेशल ट्रेनें चलाने का फैसला। स्पेशल ट्रेनें कराची से रायवंड लाहौर तक चलाई जाएंगी। एमपीए चौधरी शहबाज की बागवानपुरा ऑफिस में कारकुनान से मीटिंग। चौधरी शहबाज अहमद ने हल्का पीपी 148 के मसाइल पर तबादला ख्याल किया। मियां इमरान, एजाज अनवर टीपू, एजाज चांद, मोहम्मद जावेद, ताहिर बशीर समेत दीगर की भी शिरकत। कमिश्नर और पेंट कंपनी ब्राइटो के दरमियान एमओयू पर दस्तखत हो गए। कमिश्नर आमिर जान, सीईओ ब्राइटो कंपनी ख्वाजा जैन एजाज ने दस्तखत किए। अंडर पासिस ओवर हेड ब्रिजेस की खूबसूरती के लिए कदम उठाया गया। पेंट कंपनी तजीनों आरइश 2 साल बरकरार रखने की जिम्मेदार होगी। हाईकोर्ट की साबिक जस्टिस फखरुन्निसा खोखर इंतकाल कर गई। नमाज जनाजा बादस नमाज मगरिब मस्जिद नुसरतुल इस्लाम आबिज मदीद रोड कैंट में अदा की जाएगी। फखरुन्निसा खोखर पीपल्स पार्टी के टिकट पर।